आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। शहडोल में रोजगार दिवस कार्यक्रम के अवसर आयोजित कार्यक्रम स्थल पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय समय से देर पहुंचे, जहां उन्होंने 617 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 8 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपए है। सीएम के कार्यक्रम में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 52 जिले में रोजगार दिवस मनाया जा रहा है और ये हर वर्ष मनाया जाएगा। आगामी 2022 में 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य सभी बहनें 10,000 रुपए प्रतिमाह कमाने लगे। 1,00,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। कोविड अब नियंत्रण में है, इसलिए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, अब होली जमकर मनाएं। वहीं स्वसहायता समूह को रेडी टू उचित मूल की दुकानें संचालित करने व स्कूल ड्रेस बनाने का काम महिला समूहों को दिया जाएगा। अब ठेकेदारों से ये भी काम नहीं लिया जाएगा। वनों से प्राप्त औषधियों से ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। अंत में स्वरोजगार योजना के तहत ऋण मिलने वाले हितग्राहियों को वाहनों को चाबी सौंपा गया व लोन लाभ का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने मंच से कहा कि एक बात सुन लो कलेक्टर कमिश्नर, राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कहीं भी गड़बड़ी किसी कीमत नहीं होनी चाहिए। किसी ने कोई गड़बड़ी की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेमानों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गड़बड़ करने वालों को चैन से जीने नहीं दूंगा। हर एक राशन ठीक से मिलना चाहिए। जाँच करा लो, बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं जांच कराऊंगा, प्रशासन को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ढंग से काम हो। सीएम के इस तल्ख लहजे में कही बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शहडोल से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। 12 जनवरी को भी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर रोजगार दिवस हमने मनाया था। 5,26,000 बहनों भाइयों बेटा बेटियों को अलग अलग योजनाओं के तहत, चाहे वो मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर हो, आजीविका मिशन हो, रोजगार की अन्य योजना हो, उनके अंतर्गत ऋण मिला था और रोजगार की पैसा मिला। आज हमने फिर रोजगार दिवस मनाया। हर महीने हमने फैसला किया है, आज 5,06,000 के आसपास लोगों को पूरे प्रदेश में फिर से अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें आजीविका मिशन भी शामिल है, फिर लोन मिला है, ऋण मिला है, जिससे सुचारू रूप से उनका काम धंधा चालू होने लगेगा। अब 29 मार्च फिर रोजगार दिवस मनाएंगे हम। हर महीने हमने लक्ष्य तय किया है कम से कम 2,00,000 लोगों को रोजगार मिले, लेकिन अभी तो 2 महीने हम ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। ये प्रयास जारी रहेगा। रोजगार आज की सबसे प्रमुख समस्या है। एक स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण दिला के अब इसी महीने हम शुरू कर देंगे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 1,00,000 से लेकर 50,00,000 रुपये तक का अलग अलग कामों के लिए नौजवानों को लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेगी, जिसमें ब्याज सब्सिडी रहेगी, वो देना भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम अपने लोकल उत्पाद के आधार पर चीज़ें बनाएं और उसमें रोजगार के अवसर खोजें, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो वनोपज हो या दूसरी। तीसरा निवेश आए, उसके माध्यम से रोजगार मिले। चौथा सरकारी नौकरियां जितनी निकाल सकते हैं उसमें रोजगार दें, ताकि लोगों को रोजगार ढंग से मिल सके। आज वही कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, यूक्रेन में छात्र लगातार संपर्क में है भारत सरकार के, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित।